अगर आपके मैनिफेस्टेशंस पूरा नहीं हो रही हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन में जो सबसे बड़ा रोल है वो है आपके फोकस का। आज के जो टाइम है इतना ज़्यादा डीफोकस करने वाली चीज़ें हमारे पास है, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है कि हमारा एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं आ रहा है। और यही एक छोटी सी चीज़ है कि अगर हम अपना फोकस किसी एक चीज़ पर ले आएँ, उस चीज़ पर ले आएँ कि हम इस गोल को अपनी लाइफ में पूरा करना चाहते हैं या फिर ये मेरा डिज़ायर है, मैं इसके बारे में सोचना चाहती हूँ, विजुलाइज़ करना चाहती हूँ, बट मन बहुत भटक रहा है, इधर उधर मेरा ध्यान बहुत जाता है, कभी पास्ट में जा रहा है, कभी फ्यूचर में जा रहा है, तो अगर उन सब डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को हम हटा के अपने प्रेजेंट में आ जाएं, ये सीख लें कि किस तरह से माइंडफुल होके, अवेयर होके हम अपने गोल के बारे में सोच पाएँ कुछ सेकेंड्स के लिए ही, तो हमारी मैनिफेस्टेशन को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और इसी में ये मैजिक है कि आप कुछ सेकेंड्स के लिए ही अगर सोच पाओ कि मुझे क्या चाहिए, हर दिन उसको रिपीट कर पाओ, क्योंकि आप फिर कुछ सेकंड की प्रैक्टिस करने के बाद आप फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो अपने जो भी आपके आसपास की चीज़ें हैं, तो उसको ठीक करने के लिए ये माइंडफुलनेस मेडिटेशन मैं आपको अभी यहाँ पे मेरे साथ करवा रही हूँ। और आप देखोगे कि आप बहुत ही जल्दी एक महीने के अंदर अंदर आपके अंदर से जब भी आप अपने गोल के बारे में सोचोगे, छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करना, अगर आपने कभी भी मैनिफेस्ट नहीं किया है तो छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करो, आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरा होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस मेडिटेशन को करने का रूल क्या है, आपको ज़रूरी नहीं है कि एक शांत जगह पे बैठना है, आप जहाँ पे भी बैठो वहाँ पे आपको आसपास का कोई इंसान डिस्टर्ब करने वाला ना हो, आप नेचर में बैठ सकते हो, आप एक शांत जगह पे अपने रूम में बैठ सकते हो, लेकिन उस रूम में बैठे हुए आपके आसपास बहुत कुछ चलेगा, तो आपको ये अंदर से एक थॉट नहीं देना है कि ये सारी चीज़ें पहले बंद हो जाएं, मेरा मन एकदम से शांत हो जाए तब मैं इस प्रैक्टिस को कर पाऊँगी। माइंडफुलनेस मेडिटेशन यही है कि बिल्कुल पूरी तरह से माइंडफुल हो जाओ, पूरी तरह से अवेयर हो जाओ कि आसपास क्या चल रहा है। तो अभी हम इसको कैसे करेंगे, जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो आप पीछे की कुछ आवाज़ें सुन सकते हो जो बर्ड्स की हैं, तो इस वीडियो को बनाने का, इस समय बनाने का पर्पस ये है कि हम इसको प्रैक्टिस कर पाएँ साथ में। तो आप जैसे भी हैं, अगर एक शांत जगह पर बैठ सकते हैं तो बैठ जाइए, अपनी आँखें बंद करनी है, आँखें बंद करके एक लंबा और गहरा सांस लेना है और धीरे धीरे इस सांस को खाली कर दे। एक बार फिर से लंबा और गहरा सांस लेंगे और धीरे धीरे उसे भी जाने देंगे, पूरी तरह से इसी सांस को देखते जाएं। वन लास्ट टाइम ब्रीद इन डीपली और इस सांस को होल्ड करें, जितना टाइम भी कंफर्टेबली होल्ड कर पाएं, उसके बाद इस सांस को धीरे धीरे जाने दें। आपके शरीर में आपको एक वाइब्रेशन फील होगी, एक हार्ट बीट फील होगी, पूरा ध्यान उसी पर ले जाएंगे। आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें आने देंगे, उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, जो हो रहा है उसे होने देंगे। आप चाहे तो अपने मन में इसी एफर्मेशन को भी रिपीट कर सकते हैं कि जो भी हो रहा है आई सरेंडर, जो भी हो रहा है आई सरेंडर। अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपने रूम में ले जाएं कि आपके रूम में कौन कौन सी आवाज़ें आपको आ रही हैं, फैन की आवाज़ हो सकती है, मेरी आवाज़ आ रही है, या बाहर की किसी ट्रैफिक की आवाज़ आ रही है। पूरी तरह से ध्यान वहाँ पे ले जाएं कि आपको क्या क्या आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, और सेम टाइम पे अपने शरीर को भी देखें कि वो एकदम से रिलैक्स है, एकदम से ढीला है। बी फुली प्रेजेंट इन दिस मोमेंट। अगर आप ये बहुत टाइम बाद प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको एक बार के लिए ये ऐसा महसूस होगा जैसे हम बचपन में जीते थे, पूरी तरह से हर चीज़ की आवाज़ सुनाई देती थी, सेम वही चीज़ आपको अभी रिपीट करनी है। और आप नोटिस करेंगे कि आपका ध्यान अपने अंदर पे कहीं पे गहराई पे जा रहा है, उसे जाने देंगे।
अपनी सांसों को भी आते जाते नोटिस करते जाएंगे और आसपास की आवाजों को भी एक्सेप्ट करते जाएंगे, पूरी तरह से एक्सेप्ट करते जाएं। जितना हो सके अपने शरीर को कम हिलाएंगे, एकदम स्टिल रहने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप इस मोमेंट में आ पाएंगे। इस पल से पहले जो हुआ या अभी अपनी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है या किसी भी बात की चिंता है जो मन में बार बार एक थॉट के फॉर्म में रिपीट हो रही है, उसके आगे समर्पण कर दीजिए। रिपीट करिए कि इस पल में मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे सिर्फ रिलैक्स करना है, जो हो रहा है मुझे बस उसे एक्सेप्ट करना है। अभी इस पल में मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अपने रूम में हूँ, आप जहाँ पे भी हो, और मैं एकदम से शांत होके बैठी हूँ। आई एम फुली प्रेजेंट इन दिस मोमेंट एंड यू विल फील लाइट, बहुत शांत फील होगा। आपको अपने शरीर में वाइब्रेशंस फील होंगी, ये साइन है आपकी एनर्जी के बढ़ने का, आपके इसी पल में आ जाने का। एक लंबा और गहरा सांस लें और उसे जाता देखने की कोशिश करें, पूरी तरह से खाली कर दें। अब आप अपने मन की स्क्रीन पर कोई एक गोल अपनी आंखों के सामने लेकर आएंगे कि मैं इस इच्छा को पूरा करना चाहती हूँ। वो कौन सी इच्छा है, उसे अपनी आंखों के सामने लेकर आए कि मैं ये चाहती हूँ। अब उसे इस तरह से देखना शुरू करें कि वो पूरी हो चुकी है। अपना समय लें, एक बार दो बार उसे दोहराते जाएं कि ये सच हो चुका है और यही मेरी लाइफ है। जब आप अपने मन की स्क्रीन पे उसे देख पाएंगे तो आपके अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी आप फील करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो एक अच्छा रिश्ता, अपने आप को एक अच्छे ड्रेसअप में देखो, एक नई फैमिली के साथ देखो। अगर आपकी सेहत आप ठीक करना चाहते हैं तो अपने आप को देखिए, कितने एनर्जेटिक हो चुके हैं। अपने चेहरे की स्माइल को देखो, विजुलाइज इट एंड फील इट। अगर आपको जॉब नहीं मिली है तो अपने आप को एक अच्छे कपड़ों में देखो कि आप किसी ऑफिस में बैठे हैं। जो भी काम आप करना चाहते हैं, अपने अकाउंट में अपनी सैलरी को देखो, ये सब कुछ इसी पल में हो रहा है। अगर आपको ये लगता है कि पैसे आपके पास नहीं रहते हैं तो विजुलाइज करें कि बहुत सारे पैसे, अगर कोई फिक्स्ड अमाउंट आपके मन में है, उस अमाउंट को देखें, उस नंबर को देखें कि वो आपके अकाउंट में अभी क्रेडिट हो चुकी है। और जब वो क्रेडिट हुई है, उसका मैसेज आया है, आपने उसे पढ़ा, उसे देखा, आपको कैसा फील हुआ? जब आप इसे फील कर रहे हैं, इस फीलिंग को और बढ़ाने के लिए एक स्माइल के साथ लंबा और गहरा सांस भरें और धीरे धीरे उसे जाने दें। आप देखेंगे कि आपके शरीर में एक अलग तरह का चेंज है जो आप फील कर पा रहे हैं। नाउ से थैंक यू, आप
जिस भी भगवान को मानते हैं, यूनिवर्स को मानते हैं, से थैंक यू फॉर दिस मोमेंट. थैंक यू सो मच इसे पूरा करने के लिए. अब धीरे धीरे फिर से एक सांस भरेंगे और उसे खाली करते हुए इसी पल में वापस से लौटेंगे. फैन की आवाज़, बाहर से किसी की आवाज़, बर्ड्स की आवाज़, ट्रैफिक की आवाज़, उसे एक्सेप्ट करते करते हल्का हल्का अपने हाथों को हिलाएंगे एंड रब योर हैंड्स और इसे पूरे अपने फेस पर स्प्रेड करेंगे एंड स्लोली ओपन योर आइज. आपको ये प्रैक्टिस करके कैसा लगा? आपको रिलैक्स फील हुआ और आप देख पाए कि आपने अपने माइंड की स्क्रीन पे क्या देखा? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. और अगर आप मेरे साथ ऐसी ही और इंटेंस प्रैक्टिसेस करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं होप नोपनो कोर्स के ज़रिए, DMP के ज़रिए, डेली लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस के ज़रिए. इनकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है एंड अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए ये स्टेप्स लीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे बांटें. थैंक यू सो मच.